कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर अब मॉकड्रिल है। देश भर के अस्पतालों में आज मॉकड्रिल होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का दौरा करेंगे। तो पूरी तरीके से अब तैयारी में लग चुकी है सरकार और कोरोना से निपटने के लिए आज मॉकड्रिल होगी। स्वास्थ्य मंत्री आज अस्पतालों का दौरा करेंगे और देखेंगे, जायजा लेंगे कि कितना तैयार है भारत राज्य, पूरा देश कितना भारत कितना तैयार है कोरोना से निपटने के लिए। तो आज मॉकड्रिल और इस सब के बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आज दोपहर 3 बजे केंद्र और राज्यों की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी भी सीएम के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी। तो अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं और साथ ही जो विदेश से लोग आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाएगी। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाली यात्रियों की निगरानी की जाएगी, उनका टेस्ट किया जाएगा। तो अब BF7 जिससे हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि भारत के अलावा अगर बाहरी देशों की बात करें तो बहुत बुरी तरीके से ये वेरियंट फैल चुका है। जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं, हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। कोरोना के लिए पूरी तरीके से हर दिन जो है हमारी तैयारी है, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, सब कुछ जो है काबू में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग रेगुलर जो है रिपोर्ट जो आता है वो हम लोग रिपोर्ट देखते रहते हैं। हमने कल भी कहा था, कल तक जो एक्टिव केसेस थे लगभग 3 ही हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अभी जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर गंभीरतापूर्वक पहल की है और हमने भी हमारे ACS साहब के साथ और हमारे विभाग के साथ बैठक किया। ACS साहब ने सारे उपायुक्तों को पत्र लिखा है और दुनिया के देशों में जिस तरीके से फिर से कोरोना का दंश झेल रहे हैं दुनिया के देश, विशेष करके चीन वगैरह, तो उसको दृष्टिगत करते हुए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे। और ये बात तो सही है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने को, अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। अभी चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु चिंतन की आवश्यकता तो है। और जिस प्रकार से चाइना में तेज़ी से ये फैला है और बाकी देशों में भी फैला है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने देश की जनता को बचाएं। तो हमारा यहाँ एटमॉस्फेरिक सिचुएशन कंपेयर टू चाइना इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से हर रोज़ हमारी जनता जो देखती है मीडिया पे, तो उनको अपील करने के लिए हमारे CM DCM साहब ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए बता दिया है। देखो, हमारी पूरी तैयारी है, प्रिकॉशन डोज हमने लगवाए हैं और पूरी निगाह है, पूरी जांच की जा रही है, जांच के लिए पूरे संसाधन हमारे पास है, पूरी निगाह है। अभी नॉर्मल केस है, 2-4-5 केस जयपुर में आते हैं, कहीं और आते होंगे, बाकी कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कोई स्थिति खराब हो या कोविड की कोई शिकायत हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।